क्या रूबी आज केतकी और वरदान के इस टूटते हुए रिश्ते के घर वाले के सामने बचा पाएगी? तो इसका सवाल आप सभी को वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते मिल जाएगा, इसलिए केतकी के मान मर्यादा बचाने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक धैर्य पूर्वक बने रहिए। जहां एक तरफ केतकी ने रूबी की प्रेग्नेंट होने का पूरा इल्जाम वरदान और घर वालों के सामने अपने ऊपर तो ले लिया है, मगर अब केतकी और वरदान का रिश्ता यहां पर फिर से टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब वरदान वहां पर रूबी से पूछते हैं कि तुम केतकी के साथ क्या करने गई थी हॉस्पिटल, मगर वहां पर रूबी बहुत डरी सहमी सी होती है, इसलिए रूबी वरदान को वहां पर कुछ भी जवाब नहीं दे सकती है। तभी वहां कालिंदी से रही नहीं जाती है, कालिंदी वहां बीच में आकर टपक जाती है और कालिंदी घर वालों के सामने रूबी को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करती और यहां पर सीधा केतकी को निशाना बनाती है और कहती है कि रूबी की भाभी प्रेग्नेंट है, इसलिए अब आगे देखना। ये काफी दिलचस्पी होगा। कालिंदी और अभिनव के वजह से अब वरदान फिर से केतकी को रत्ती भर पसंद नहीं करेगा, जिसके बाद अब कालिंदी अब तिवारी परिवार में आकर अपने मकसद को हासिल कर चुकी होगी, क्योंकि अब वरदान भी कालिंदी से माफी मांगने का अपना पूरा कोशिश करेगा। इसलिए अब आगे आने वाला बता पाएगा कि क्या रूबी केतकी के यहाँ पर टूटते हुए रिश्ते को बचा सकती है। तो इसका सवाल यहाँ पर है जी नहीं, क्योंकि रूबी अभी अपने प्रेग्नेंट होने की सच्चाई घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताएगी। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अनोखा बंधन का पूरा भाग दंगल टीवी पर।